ईद उल जुहा पर कश्मीर में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। आतंकवादियों के बीच जो बातचीत हुई उससे जुड़ा हुआ एक्सक्लूसिव ऑडियो है जो कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास है। सुरक्षा एजेंसियों ने बातचीत का वो ऑडियो इंटरसेप्ट किया है जिसमें आतंकवादी घाटी में बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। ऑडियो में दो आतंकवादियों को सुना जा सकता है जिसमें से एक आतंकवादी साफ साफ ये कहते सुना जा रहा है कि ईद के मौके पर कुर्बानी दी जाएगी। ये ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बड़ी खबर ये इस वक्त की है। एक्सक्लूसिव ऑडियो टेप हमारे पास वो है एक तरीके से, जिसमें ये कहा जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों ने ही इस फोन को टेप किया है। ईद पर 2 तारीख को, शनिवार को ईद है, ईद उल जुहा पर बड़े आतंकवादी हमले की साजिश आतंकवादियों की तरफ से रची जा रही है और इस बात का बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ऑडियो जो है क्या कुछ कह रहे हैं आपस में ये आतंकवादी, बातचीत करते हुए किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम भजन, क्या हाल है? हाँ, क्या हाल हमारे छोटे शेर का? ठीक हो और सुनाए, सब खैरियत है, घर बार सब ठीक है? हाँ इंशाल्लाह, कुर्बानियाँ तो अल्लाह के फजल करम से हम दे रहे हैं। हम शहीद तुमसे ये कह रहे हैं, लहू हमारा भला ना देना, कसम है तुमको सरफरोश हो। हो अदू हमारा बुला ना देना, हम अपने लहू से वजू करके खुदा के हाँ सुरखरू हैं ठहरे। हम अहद अपना नबा चले हैं, तुम अहद अपना बुला ना देना। मेरे भाई हम इंशाल्लाह भाई जाने दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखना कि ईद कुर्बान पे इंशाल्लाह बहुत से ये जो हैं बनिए इंशाल्लाह कुर्बान होंगे, करेंगे इंशाल्लाह, काम जारी है। अल्लाह के फजल करम साहब दुआ करें भाइयों के लिए। तो ईद उल जुहा पर ये बड़े आतंकवादी हमले की जिस तरह से साजिश रची जा रही है, एक्सक्लूसिव ऑडियो हमने आपने दर्शकों को सुनवाया। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रांजलि सिंह जुड़ गई हैं। प्रांजलि, बहुत महत्वपूर्ण है, अब सुरक्षा एजेंसियों ने टैप कर लिया है इस फोन कॉल को, ऑडियो है और बाकायदा शायद ये भी मालूम हो सुरक्षा एजेंसियों को कि कहां से और किस तरह की बातचीत है और आतंकवादियों के मंसूबे ईद के दिन क्या हैं। जी मीनाक्षी, काफी अहम है। देखिए, 2 सितंबर को ईद उल जुहा है जो कि देश में हम कह सकते हैं कि एक बड़े त्योहार के रूप में जो मुसलमान हैं वो इसे मनाते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कश्मीर की तरफ से, आतंकियों की तरफ से इस ऑडियो का जारी करना एक लोगों में डर, एक दहशत का माहौल जो है वो इस ऑडियो के सामने आने के बाद आ सकता था। और आपने ये जो बात कही है कि जो इन्हें टैप करने के बाद जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, तो दो अहम जानकारी बस मैं आपको इस ऑडियो से रिलेटेड देना चाहूंगी। पहला तो ये कि संगठन का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हाँ एक अहम जानकारी ये पता चली है कि ये फॉरेन टेररिस्ट नहीं है, ये लोकल्स हैं और जो कश्मीर में किसी जगह पर ये इन्होंने पनाह ले रखी है। या ये भी हो सकता है कि जब हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि किस संगठन से इनका ताल्लुक है या क्या जानकारी है, तो इस बारे में सुरक्षा कारणों से हमें बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ये जानकारी जरूर ले ली गई है कि कहाँ और कैसे। और ये भी हो सकता है कि आगे चल करके आप सुनेंगी, हो सकता है या फिर जानकारी बाहर निकल करके आ जाए कि इन आतंकियों को ट्रैप कर लिया गया है या फिर पकड़ लिया गया। जी, बहुत शुक्रिया प्रांजलि, आप जुड़े हमारे साथ ये जानकारी लेकर, धन्यवाद आपका।